प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दो दिवसीय दौरे पर मथुरा आए। कोविड-19 को लेकर दो दिन से लगातार अधिकारियों के साथ बैठक और अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां पर मिल रही खामियों को दूर करने के निर्देश दे रहे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो लोग लापरवाह और मौका परस्त हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी मरीजों को सही समय पर उचित इलाज मिले यह हमारी प्राथमिकता है। जल्द ही ऑक्सीजन के लिए भी मथुरा आत्मनिर्भर होने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है और कुछ मौका परस्त और लापरवाह लोगों की शिकायत भी सामने आई है और कुछ वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हो रहे जिन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। से लेके पीछे हट जाओ यार जरा। देखिए ये संकट काल है, ये महामारी है और इसमें कैसे लोगों को बचाया जाए इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। और क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं जो मरीज आ रहे हैं उनकी अपेक्षा के अनुसार बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि महामारी है, इसमें बहुत ज़्यादा ये संक्रमण फैला है और इसमें जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं इनमें बेहतर से बेहतर सुविधा मरीजों को दें और लोग स्वस्थ होकर जाएं, ये प्रयास है। घर पर जो होम आइसोलेशन में हैं उनको प्रॉपर मेडिकल किट पहुंच जाए और वो घर पर डायरेक्टरों की अपने डॉक्टरों की सलाह पर ठीक से दवा लें, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो कोविड कमांड सेंटर है वो लगातार उन मरीजों के संपर्क में है, तो प्रयास कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन की कमी थी उस कमी से भी मथुरा 20 तारीख को पूरी तरह से मथुरा जो है आत्मनिर्भर होगा। हमारा ये प्लांट है, यहाँ अभी आज ही शायद काम शुरू ये लोग कर देंगे, बाकी हॉस्पिटल्स में काम शुरू हो चुका है। तो 20 मई तक मथुरा की जो रिक्वायरमेंट है वो 15 टन के आसपास है और हमारे यहाँ लगभग अगर ये प्लांट हमारा पूरा हो जाएगा तो लगभग 13.5-14 टन की हमारी खुद की अपनी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मथुरा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। मरीजों को और क्या सुविधाएं दी जा रही है? मरीजों की जो भी आवश्यकताएं हैं अभी यहाँ पर हम लोग जिला अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन पाइप लगवा रहे हैं और इस हॉस्पिटल की ऐसी सुविधाएं इसमें व्यवस्थित करा रहे हैं कि यहाँ जब पेशेंट आए तो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जाए। सर कल एक महिला को देखा गया था यहाँ पर बाहर पड़ी रही थी और यहाँ पर कोई एडमिट करने से मना कर दिया था पलंग पर। हमने CMO को और सर CMS को दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पेशेंट जो आए पूर्ण रूप से उसको इलाज मिले और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाए, ऐसा प्रयास ये सब लोग करें। अगर लापरवाही कहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी।